महिलाओं के हक और अधिकार के लिए महिला कांग्रेस 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्र सरकार से तीन महत्वपूर्ण मांगे होंगी। महिलाओं के हक और अधिकार के लिए महिला कांग्रेस दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने जा रही है। इस पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने बताया कि आने वाले 29 जुलाई को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ महिलाओं के साथ हो रही उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने और राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का अधिकार जैसी तीन महत्वपूर्ण मांगे केंद्र सरकार के सामने रखी जाएंगी। स्थान स्थान पर महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। आज महिलाएं आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं, और आलम यह है कि जो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आज महिला अपराधों में नंबर एक पर पहुंचने में लगा हुआ है। इसी के साथ ही जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान की थी, एक भी वायदा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। जहां तक महिला आरक्षण की बात है, विधेयक संसद में पास हो गया है, लेकिन लागू कब होगा इसका किसी को भी पता नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी ने कल नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी को बतलाया है कि 29 जुलाई को महिला अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश की महिला कांग्रेस की साथी जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे हैं और ये लड़ाई हमारी लगातार प्रारंभ होगी। हमारी तीन महत्वपूर्ण मांगे केंद्र सरकार से हैं। पहली मांग है राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी के तहत महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिसमें अति पिछड़े वर्ग की हमारी ओबीसी की बहनों को आरक्षण और भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।